कोटा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में फैली दहशत को लेकर जिला कलेक्टर मीडिया के साथ रूबरू हुए। कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने कहा कि जिस व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, वो प्राइमरी स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन जयपुर से आई फाइनल रिपोर्ट में जांच नेगेटिव पाई गई है। फिलहाल कोटा से कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। जिला प्रशासन ने बसंत विहार इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया है। जिला कलेक्टर की व्यवस्थाओं को लेकर जारी आदेश के बाद हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लिया जायजा। एक किलोमीटर के एरिया को हमने सैनिटाइज करना, हमारी नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है, एक एक गली वहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव डाल के और वो वहां पे पूरा एकदम उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारा जिला ऐसा है जिस जिले ने पूरे राजस्थान के जिलों को सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया है, तो हमारे यहाँ पे हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का कंपल्सरी रूप से छिड़काव वैसे ही इन जनरल भी कर रहे थे और अभी इन पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक किलोमीटर के एरिया में बहुत अच्छे से हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो हमारी दूसरी मशीन्स हैं उनके माध्यम से और जो ये छोटी मशीनें आती हैं जो पीठ पे लाद के उसको करता है उसके माध्यम से उससे लाना अनिवार्य है, लानी भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, पर कम से कम मैं अपेक्षा करता हूं कि आप आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। कोटा के बसंत विहार इलाके से एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना आई थी। कुछ ऐसे लक्षण थे जिन पर उसको कोरोना पॉजिटिव होने का संदेह किया जा रहा था। आप तस्वीरों पर साफ तौर पर देख सकते हो किस तरह से फिर जिला प्रशासन ने इस पर पूरी मुस्तैदी बनाई और साथ में ही सारे जो इलाका था उसको पूरी तरह सीज कर दिया है। कोटा जिला कलेक्टर ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरी जानकारी दी। जिला कलेक्टर का एक बयान सामने आया है कि जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज था उसकी स्क्रीनिंग में तो कुछ लक्षण सामने आए थे, परंतु जब उसकी वापस जांच करवाई गई तो उसमें लक्षण पॉजिटिव नहीं मिले और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ में ही जिला प्रशासन ने इस मामले पर एहतियात बरतते हुए सारे इलाके को एक किलोमीटर तक सीज कर दिया है। साथ में सब चीजें सैनिटाइजेशन की जा रही है, हर घरों के बाहर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ में स्वास्थ्य विभाग और जो CMHO की टीम है वो लगातार इस पर नजर बनाई गई है और साथ में उन घरों को चिन्हित किया जा रहा है जिन घरों पर सर्वे किया जा रहा है और कोरोना के बारे में बताया जा रहा है। साफ तौर पर आगे आप तस्वीरों में देख सकते हो यह वही इलाका है गणेश तालाब और बसंत विहार का जिसकी एक किलोमीटर की सीमा सीज कर दी गई है। साथ में ही जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के लक्षण जिसमें पाए गए थे उसके यहाँ दूध बेचने वाले से लेकर उसके जो सगे संबंधी थे जिनसे वो मिलने जा रहा था उन सब पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। साथ में कई लोगों को आइसोलेट किया गया है और उन पर नजर बनाई गई है। साथ में एक चीज और जिला कलेक्टर ने एक दिशा निर्देश और दिया है कि जो एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए गए हैं उसमें 3 दिन तक इस एरिया को कर्फ्यू नहीं कहा जाएगा, मगर कर्फ्यू से कम हालात भी इस एरिया के नहीं रहेंगे। जिला कलेक्टर का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लगातार 24 घंटे मुस्तैदी से नजर बनाई जाएगी और यहाँ पर किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वंचित होगा। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो घरों में ही रहें और घरों से बाहर ना निकले। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से खबर। आसानी जयपुर से मुख्यमंत्री